हो गया, एक को लग गया तो क्या गया? अच्छा अल्लाह का घर देखती, नमाज पढ़ती, दुआ करती, क्या हाँ। है ये? तू कौन है? तू मरे वाली औरत है? हाँ? औरत है, आदमी? आदमी हूँ, मोहब्बत हो गई इससे। अच्छा कब बस... मरा था तू? नहीं मालूम है मेरे को, कुछ नहीं मालूम है। हाँ ऐसा मुंह उठा के आगा क्या? बस मोहब्बत हो गई मेरे को। सही बोल, कौन ने मुद्दत बने थे? कितने साल की मुद्दत थी? 16 साल की, 17 साल की, कितने साल की थी? कोई भेजे थे इसको मारो बोल के, लेकिन मैं नहीं मारा। हाँ और अभी एक्सीडेंट तेरे बाप ने कराया फिर उसकी जान लेने के वास्ते? जाना चाह रहा था मैं, कराया उसको, याद तक नहीं है, इसको चोट तक नहीं पहुँचाई मैंने। सब तोड़ दिया ना उसका, सीना फीना खराब करा, क्या क्या मारा, एक्सीडेंट करके हता पीता सब। हाँ सिर को मार लगा, टाके लगे। अब फाइनल वार कब मारने का है? अब आने वाले अम्मास में पुन्नम में इसकी जान लेने के वास्ते? अम्मास को अम्मास तक मार दे तो। अच्छा इसके घर में से और किसको मारने का? बहन को, खाला को, रिश्तेदारों को? मुझे कोई नहीं चाहिए किसी से। इसके बहन भाइयों पे भी जादू करे वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, बता सही सही। नहीं नहीं, इसकी बहन पे कराए थे जादू। हाँ इसकी बहन ने ये ताबीज निकाल के घर में, इसके घर में फेंका था। हाँ इसकी बहन मुझे पसंद नहीं है, काली काली दिमाग पागल लड़की। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी है, अल्लाह को मानने वाली है। हाँ। और मुझे बहुत नरम लगी, बहुत अच्छी हाँ। लगी मेरे को। हाँ। इन होना बस नहीं देते, वैसा कैसे देंगे तुम? कैसा ली जान देंगे? बाबा देख, छोड़ दो ना बाबा, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, आप बंदिश करोगे फिर छोड़ोगे, फिर मैं खुल जाऊंगा, फिर लेके जाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा मार के जला देता। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये जो तू इसके आंग में बैठा जी, तो इसको कौन ला के छोड़े थे इसके आंग में तुझे? मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन शमशान से लाए थे, कब्रिस्तान से लाए थे, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है बाबा, सच में मेरे को इससे मोहब्बत है बस, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं वैसे मोहब्बत नहीं रहती, इंसानों की दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, नाम खुलो बदबख्तो, इधर हमारी दुनिया में क्या कर रहे, तुम उधर जाके मनमाना करो। फातिमा शहनाज को समझा दीजिए। नहीं नहीं तो चिरौनी से शादी कर, परियों से शादी कर जाके, इंसानों से क्या है? हाँ वो भी जिंदे इंसानों से। और इसके घर से कितने लोगों को मारने वाले दूसरा जादू करके? इसके बहन को? नहीं नहीं कोई नहीं चाहिए, कौन मेरे पसंद? तू नहीं, तेरे अलावा कौन है? तेरे साथियाँ कितने? और कुछ भी मालूम नहीं है, याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना याद है कि ये पसंद है, इसको लेके जाना है। वैसा तो देखो मैं नहीं छोड़ता, देखो मेरे को सारी दास्तान बयान करना पड़ेगा, तुझे कौन डाले थे, तू आया कहाँ से था, उसके आंग में क्यों आया तू? मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे को छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो बाबा। नहीं छोड़ते ना मखूल बदबख्त तुझे, बाबा प्लीज बाबा। तेरे बाबा का राज चल रहा है, मार रहा तो मार रहा, लोगों के जाना भी ले रहा है के पीछे। बाबा मैं किसी का जान नहीं लिया, पहली बार इसके आंख पे आया। चल मुझे सही सही एक बात बता जी? अभी ये पेशेंट को तू कब मारने वाला था फाइनल? अब अम्मास में के पुन्नम में? अम्मास के रोज माने होता, लेकिन अच्छा। अल्लाह बचा रहा। अभी बता, अभी तो आखिरी बार अल्लाह से पढ़ रही वो सब बात मालूम है, तो अभी बता मुझे कि आखिरी बार कब मारने वाले अम्मास में के पुन्नम में? बस जैसे मौका मिले वैसे ही ले लेंगे, अल्लाह जैसे ही मतलब इसका साथ छोड़ेगा तब। वो तो सब पता है मुझे, मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही सही दे। अगर घुमाने की कोशिश करा तो दोनों हाथ तक काट दूंगा तेरे घुमा के, ना अल्लाह क्या पूछा मैंने, वो जवाब दे। अभी पेशेंट की मुद्दत कितने साल की बने आई थी, 17 की या 16 की? सच में बाबा मेरी पूरी कौन फाइनल कितना टाइम बचा फाइनल? मुझे याद नहीं है। अमास में खींचने वाला है, बस जान निकालना चाहता हूँ, बस जैसे ही मौका मिलेगा अमास में, जैसे ही मौका मिलेगा। तो खुद ब खुद तो नहीं आया, तेको ला कर छोड़े और तेको उठा कर छोड़े आला जागरूक करके कि उसकी जान ले। वो औरत के पास लेके आके छोड़े थे उसकी जान ले बोलते, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है। नहीं नहीं बहन मुझे पसंद है। तू क्या बोलते थे, साथियां भी इतरे और उसके अंदर छोड़े आले, अलग साथियां है तू अलग है, बाहर खिला के छोड़ के नाम खोलो तुम अब करे आले। कितने है तेरे साथियां पूरे टोटल? कितने है? और वो जादूगर ने इसके बहन को मारने के वास्ते कितने शैताना छोड़े आले? नहीं वो एक ही था। हाँ बस मौका देख के मारने आले उसको भी? नहीं 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 उसको अलग कर दिए, उन चले गई जिंदगी से, खत्म बर्खास्त हो गई दूसरी लाइफ। और इसके घर से? सही बोल, नहीं, नहीं, तू अगर नहीं, सही नहीं बोला तो तेको मार के पूरा खत्म करवा देता हूँ तेको। सच तेरे बाप का राज चल रहा रे। सच में बाबा कोई नहीं है, कोई नहीं है बाबा। दर्द है बाबा।
और ये इसका कौन खराब कर रहे, इसका जिस्म, उसकी स्किन, वो सब तुझ कर रहा था अंदर बैठ के। इसको जिना की तरफ डाला। देखो छोड़ता हूँ, देखो तो पूरा मार के खत्म कर देता हूँ। कमीने, तेरे बाप का राज चल रहा तेरे। जकड़ लो उसको, नालायक, उसको मार मार के खत्म कराओ उसको, तेजी के साथ में जकड़ो उसको। उसको क्या बोलते तो उसको असल बंदिश बताएंगे, उसको क्या रीति थी, उसको बंदिश में लेके उसको टुकड़े करेंगे उसके, बन के डालो जब तक उसको। उसकी दवा को भी जमा करो और उल्टी में और जुलाब में निकालने की तैयारी करो अमल के दौरान। पानी पियो। ये जो मसला है ये मुद्दत बने वाला खेल है, और जो मुद्दत बने वाली है तो वो इधर मत मार, फेस की तरफ। मुद्दत जो बने वाली है तो वो जो है तो जो उसका टाइम था, टाइमिंग के हिसाब से टाइम करीब आ रहा, टाइम जैसा करीब आ जाएगा उन्हें उस हिसाब से साथ में लेके जाएगा। उन्हें सब बातें बयान कर रहा था ना, खुद ब खुद आए वाला नहीं है, लाकर छोड़कर सब दास्तान जो है तो वो लगाए वाली मुद्दत जिसको बांधना बोलते बूट उठाकर जागरूक करके लाके छोड़ देते एक पार्ट खेल। बहुत अलग थेरीज है उसके, अलग अलग पार्ट से ज्यादा तो खुल के नहीं बोलूंगा, इन शॉर्ट में बता दिया। और दूसरी बात कि वो जान लिए बगैर उसका ऐसा वो रहता टारगेट लिए बगैर बैठता नहीं हो, इस वास्ते उसको पहले जकड़ के काट के उसको टुकड़े करके भस्म करके दिए या फिर उसको कैद करके खत्म कर देना पड़ता जो भी है उसके तरीके से। और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें बरोबर हमले करता। अभी इससे पहले हमला करा, उन्हें एक्सीडेंट करा दिया, फिर उसके बाद जिस्म सड़ा रहा, फिर बुरे बुरे आदतें लगा रहा, फिर दाल क्या क्या लाल मिल रहा पूरे आंग पे शरीर पे, तो वो जो भी हरकतें कर रहा सब उन्हें कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा ना उन्हें कि मैं ही करा बोलकर। और कोई भी अम्मा सुनम में वो दिल की तरफ बढ़ा या कलेजे की तरफ बढ़ते पेशेंट को खत्म करता। बहुत सारे वार होते हैं, बहुत सारे दास्तान है, बहुत सारे अलग अलग थीरीज रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स बढ़ते हैं उसके अंदर। जादू टोना जो है तो एक बहुत बड़ा, उसमें भी इल्म का एक समंदर है, मगर वो इल्म के समंदर को तैर कर कोई पार नहीं कर सकता। जादू टोना या अमल अमलियात, या अमल अमलियात कोई भी सीखने की कोशिश करा तो फौरी उस पर फटके पड़ते, उसको पागल कर देते या उसको मार देते या उसको पागल करके बावरान करके रोड पे भटकाते, क्योंकि उसको सीखने की इजाजत नहीं है कुदरत की तरफ से किसी को। अल्लाह जिसको चुनता फिर उसके अंडर में रहकर सीखे तो बात अलग है, क्योंकि वो उस्तादों का उस्ताद है। और तुम जाके मनमाया करे तो तुमको नहीं समझता कि अमलियात कैसे करना। अमलियात करने में तुम अगर करने गए किसी के ऊपर वार तो वो पलट के आके तुम्हारे ऊपर पड़ जाता, दूसरा उसका भी आके पड़ता पलट के, खट बोल के तुम्हारी बाट लग जाती। फिर वो बहुत अलग अलग उसमें वो रहते, फिर जो अमलियात सीखता फिर उसको ऐसा हो जाता उसके अंदर आलम के, उसको एक तो पागल कर देते, नहीं तो उस पर नहुसती तारी कर देते। उन्हें अगर इलाज करा कि उसको दुआ पानी भी दे दिया समझो तो भी उस पर नहुसती घिर जाती थी। क्यों घिर जाती? क्योंकि उसी जबान में उतना तासीर थोड़ी है, जिक्र अस्कार वाला, इबादत वाला, अल्लाह वाला थोड़ी वो। बहुत पहले इबादत जिक्र अस्कार करना, उसके बाद तुम्हारा उस मकामात तक अल्लाह पहुंचाता और अल्लाह तुम्हारा फिर उस मकाम से बिठाकर फैज जारी करा तो तुम्हारे से। ये कुदरत का निजाम है। बाकी तुम कौन सा भी अमलियात सीखने जाओ करो तो देख लो ना, तुम ज्यादा दूर क्यों जाते, तुम्हारे मोहल्ले पे नजर मारो आसपास में, तुम्हारे दो चार लोग पागल वाले दिखेंगे हर हर मोहल्ले के अंदर, दो चार जो अमलियात सीखते थे अपने आप को बड़े इलाज वाले समझते थे, जो अपने आप को बड़ा ये करते थे। और बाकी जो भंगरे भंगरे इलाज वाले रहते जो ताबीजा दे रहे इधरे, असल में वो कुछ देते नहीं, वो खाली चुप नाम के रहते हैं, कर रहे बोल के शो बताया करते, वो कुछ करते नहीं, कुछ आता नहीं, खाली लोगों से पैसे लेते चूरते खा लेते बस उतना चलता उनका। और क्योंकि उनको मालूम है, खुद उनको भी दिल को मालूम होता अगर उन्हें हटेंगे या कुछ करेंगे तो उन पर पलट के वार पड़ते, और उन पर पलट के वार पड़े तो उनका ना फौज है ना ताकत है ना खुदा से उनकी शक्ली जुड़े आ लिए जो उनको क्या बोलते तो हिफाजत के अंदर ले लिया जाएगा और उन पे के वार पलटा दिए जाएंगे। कुछ नहीं है ना, खुले हो जैसा खुला टारगेट ऐसा टमाटर रखे वाला है उसको बंदूक से उड़ा रहे निशाना लगा के वैसा, फिर कैसा टमाटर ठेस से जाता पूरा वैसा, फिर ठेस देते आके बुलाएं उसको जो भी होशियार है कर बल्लाओं के सामने। तो ऐसे सब राज है, बहुत सारे दास्तान है, सबको सीखने की इजाजत नहीं रहती, सबको करने की इजाजत नहीं रहती अमल अमलियात। अगर अमल अमलियात कोई कर रहा तो सबसे पहले अगर तुम पाक अमलियात भी कर रहे, अब तुम बोलेंगे ऐसा कैसा, हमने तो देखे बच्चे ने विर्द करा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या एक बच्ची ने सवा लाख बार पढ़ी थी, वो पागल हो गई मेरे पास में लेके आए उसको आंग वो कपड़ों में पेशाब कर दे रही, ऐसा कर दे रही जान जमान बच्ची, सब लोग मेरे को पूछ रहे ऐसा कैसा, हजरत ने तो जिक्र करी जलाली अमल करी अल्लाह का, तो वही तो वही तो उसकी रूहानी कहाँ से बर्दाश्त कर सकेंगे उतना। क्या वो सैयद वो है क्या अंदर से, खानदानी सिलसिला थोड़ी है जो सैयदों का खून रहेगा उसके अंदर बुलेट लाइन, जो कि वो कितना भी जिक्र अस्कार कर ली तो बुलेट लाइन बर्दाश्त कर लेंगी, वो अंदर की रूहानी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
सबके बस की बात नहीं रहती। और दूसरी बात क्या बोलते, तो फिर वो बच्ची कैसा पागल हो गई, तो कुरान की वो पढ़ रही थी जो भी आयतें पढ़ी, ये पढ़ी आयतें करीमा पढ़ी, तो इसलिए पागल हो गई कि जब तुम आयतें करीमा पढ़ो या जिक्र अस्कार करो, जो तुम लिमिट से ज्यादा पार कर दिए तो तुम्हारी रूहानी अंदर से बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं करके तुम आसपास का जो शैतान रहता बड़ा खबीस इबलीस जो भी रहे उसके बच्चे, तो उन्हें आ जाता, उन्हें आके फौरी हमला कर देता तुम्हारे ऊपर। क्यों करता हमला पता है उसको? मालूम है, उसको ये मालूम है कि उन्हें बोलता कि अगर मैं अगर इन्हें सीख गया और मैंने अभी ढील दे दिया तो मैं बाद में मेरे बच्चों को मारेगा, मेरे ऊपर काबिज हो जाएगा, इसलिए मैं उसको भी पागल करने की कोशिश करता, फिर उन्हें भी आके हमला करता। और दूसरी बात, तुम अगर इबादत भी कर रहे हो, इबादत में तुम इबादत में दो चीजें हैं, एक इबादत अमल अमलियात है, इबादत में इबादत तो खालिस इबादत अल्लाह के वास्ते है, और तुम बोलोगे मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, और कोई भी चीज पढ़ा और सिर्फ मैंने क्या बोलते तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा, तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम महफूज रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी खालिस इबादत है और अल्लाह के वास्ते इबादत है। और तुम अमलियात की नियत से पढ़ेंगे कि मैं अमल करता हूँ जो भी जिन्नात लेने, मोकिल लेने, तावे में लेने, हटाने, जादू टोना करने, इन्नमल आमालु बिन्नियाति तर्जुमा, सारे अमल नियत से है। तुम अगर ऐसी नियत करते कि मैं अमलियात सीखने की नियत से फिर मैं वो करूंगा, ये सब चीजें पढ़ूंगा, तो फिर वहां से अल्लाह से तुम्हारी सकली टूट गई, यानी कि अल्लाह से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा वहां पे, जब वो इबादत के मामले जो भी तुम कर रहे थे, क्योंकि वहां से वो हट गई तुम्हारी नियत, और तुम्हारी नियत लग गई दुनियादारी पे कि मैं सीखूंगा, सीख के इलाजा करूंगा जो भी है एक्स वाई जेड, फिर मैं भी इलाज वाला बनूंगा बड़ा, फिर तुम्हारे को पढ़ते फटके। क्यों पढ़ते? क्योंकि तुम्हारे को अल्लाह की सकली से जुड़े वाले नहीं ना, तुम खालिस इबादत कहाँ कर रहे, तुम मतलब मतलब के वास्ते तुम फिर वो कर रहे ना, क्या कर रहे, अमल कर रहे। देखो ना, तुम नियत करो कोई भी जिक्र, कोई भी बड़ा सूरा पढ़ो ऐसी नियत करके, अमल याद कर रहा हूँ मैं बोल के, तुम्हारा कुछ गूंगी आना चाहूंगी, हल्की हल्की चक्कर आना चाहूंगी, यानी तो आंखों के सामने धुंधलापन आना चाहूंगा, वो तुम्हारी नहीं करती रूहानियत। तुम खाली इबादत करेंगे अल्लाह के वास्ते तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, इबादत का मामला अलग है, वो लहरी इबादत की बात है। सीखने जाएंगे तो नहीं सीख सकते, बहुत बड़ा उस्ताद लगता तुम्हारे पीछे तो तुम सीख लो। और मुझे तो कोई ने नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ अल्लाह के वास्ते इबादतें करा था, खालिस ऐसी इबादतें करा था मैंने कि 17-18 घंटे 19 घंटे एक जगह पे बैठ के जिक्र अस्कार इबादतें नमाज कुरान जो भी अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के वास्ते पढ़ा था मैंने। बाद में मैं कई साल तक नजर बंद हुआ कमरे के अंदर, अपने अपने जिक्र अस्कार में था, बाद में जब मैं कमरे के बाहर निकला तो फिर पूरी दुनिया हिल गई, फिर पूरे शैताना हिल गए, पूरे जो भी है लाइव में है यूट्यूब पे सब देख लो, क्योंकि मैं ये सबसे पहले मैं जो भी था डॉक्टर वो बनने से पहले सबसे पहले उससे पहले जिक्र अस्कार इबादत बहुत करा था मैंने। मेरा कमरा था, बंद कमरे के अंदर करता था मैं, और बाद में फिर मैंने इबादत की गर्ज से ही अल्लाह और उसके रसूल के गर्ज से ही इबादत करा था मैंने। ऐसे नहीं मुझे जिन्नात होना, मुझे मोक्किल होना, मुझे शैतान होना, नहीं नहीं। तो आज अल्लाह ने ऐसा रुतबा दिया कि जिन्ना शैतान मोक्किल पनाह मांगते, इंसान पनाह मांगता जिन्नातों से शैतानों से, और जिन्नात और शैतान इधर पे आने के बाद पनाह मांगते मेरे नाम से, देख लो ना यूट्यूब पे वीडियो में। अगर ये यूट्यूब का दौर नहीं रहता था, अगर ये दौर का पहले जमाने का दौर रहता था, तो मैं तुमको बोलता था कि मेरे सामने ऐसा जिन्नात निकाल दिया मैंने, मेरे सामने शैतान गिड़गिड़ाता, जिन्नात गिड़गिड़ाता, जादू टोना गिड़गिड़ाता, आके जादू घर सामने आके गिड़गिड़ाता, तो तुम लोग बोलते थे क्या मालूम कितना सही बोल रहे कितना फेंक रहे। सही बात है ना, इंसान का दिमाग है, जब तक देखेगा नहीं जब तक मानता नहीं। तो तुम लोगों को दिखाने करने में वीडियो मेरे पास नहीं रहते थे, तो तुम लोग थोड़ी मानते थे, तुम बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, जिन्नात इंसान से कैसा डरेगा, शैतान इंसान से कैसा डरेगा, इन्हों तो उससे डरते होंगे, ऐसा तुम सोचते थे। मगर वो इबादत के वो इबादत करने से वो रुतबात अता करता अल्लाह, वो बुलंद दर्जात, और ऊपर से खून जो है वो इमाम हसन और हुसैन का, हसनी हुसैनी जो खून है, तो फिर वो कैसा क्या बोलते तो इबादत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन्नात और शैतानों ने जो भी है दास्तान मैंने लाइव में प्रैक्टिकल में बता दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम बादशाहों ने भी आके बता दिया कि तुम्हारे खून और तुम्हारी ब्लड लाइन है कौन, तुम किसकी नस्ल से इमाम हसन हुसैन की, बोलकर तुम्हारा अदब और रिस्पेक्ट ये जिन्नात शैताना भी करते, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का अदब इंसान के अलावा जिन्नात शैतान भी करते। देख लो मेरे वीडियो में तुमको पता चलेगा, क्योंकि उनको भी सब पता रहता जिन्नातों को शैतानों को सारी दास्तान, उनके उम्र जो रहते तो हजारों साल उम्र रहते। मूसा अलैहिस्सलाम को देखे वाले जिन्नात भी मदीने में मौजूद है, ईसा अलैहिस्सलाम को देखे वाले जिन्नात भी मदीने में मौजूद है,
तो अब बताओ इस पे से अंदाजा लगाओ उनकी उम्र आ कितने रहते। बहुत सारे बातें हैं, खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। इबादत के रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, दिल से हसद और जलन निकाल के बाहर फेंक दो। अल्लाह के वलियों के बारे में तो दिल के अंदर जरी भी बोझ नहीं रखना। अल्लाह फरमाता कि अगर मेरे वलियों के बारे में तुम जरा भी तिल बराबर भी बुरा सोचते तो मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान करता हूँ। और बताओ नालायक हो, अल्लाह तुम्हारे से जंग का ऐलान करा तो तुम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे बचने को जगत नहीं मिलेगी, भागने को ना खबर में बच सकते, ना दुनिया में बच सकते, ना आसमान ना जमीन कोई नहीं बचा सकती। तुम सब बोलते चल भाग यहाँ से, खुदा तेरा दुश्मन है, तो हम क्या करेंगे? हम खुद खुदा के, हर चीज खुदा की मोहताज है। जानदार पे भी अल्लाह हुकूमत करता, बेजान पे भी अल्लाह हुकूमत करता। सब वाकयात पढ़ो तो तुम लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अलहमदुल्ला, कहाँ से आए थे?